किलो मात्र ही लंबाई या दूर नहीं भाई दूरी बनवाओ यार। ड्राइविंग वैक्सीनेशन में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और क्या व्यवस्था है सर वैक्सीनेशन की अपने पास? आज सुबह से नेहरू स्टेडियम ड्राइविंग इन में जो है हमने 8:30-9 बजे वैक्सीनेशन चालू कर दिया था। आज हमें 250 वैक्सीन प्राप्त हुए थे जो करीब 1.5 घंटे बाद ही जो है ख़त्म हो गए थे। उसके बाद फिर हमने 200 वैक्सीन और बुलवाए। 200 वैक्सीन ख़त्म होने के बाद फिर 100 वैक्सीन और बुलवाए। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी लोग आ रहे हैं जो सेकंड डोज वाले हैं, 18 प्लस वाले हैं, सभी तरीके के लोग आ रहे हैं और हम लोग उनको बराबर वैक्सीन लगा रहे हैं। सर अभी डेट भी लगा दिया है, वैक्सीन कंप्लीट हो गए हैं या ख़त्म हो गए क्या है? हाँ, हमारे जो अधिकारी हैं उनका आदेश है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास वैक्सीन उपलब्ध होना चाहिए। तो मेरे पास अभी 101 वैक्सीन उपलब्ध है और लगभग 101 लोग अंदर हैं अभी। तो जैसे ही वैक्सीन वापस आएगा वैसे ही हम वापस चालू कर देंगे। बहुल क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स स्पेशल खोले गए हैं महिलाओं के लिए जी, उसको लेकर भी किस तरह से उत्साह नज़र आ रहा है महिलाओं में? जैसा कि बताया, आज़ाद नगर खजराना उस तरफ दो तरफ भी जो महिलाओं के वैक्सीनेशन जो चालू किए हैं उनमें भी काफ़ी रश है, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों की भीड़ है। और नेहरू स्टेडियम का जो एरिया है वो लगभग आज़ाद नगर से पास होने से हमारे यहाँ पे भी मुस्लिम बाहुल्य लोग जो हैं काफ़ी लोग आए हैं और हमने सबको वैक्सीन लगाया। किस तरह से मतलब उनको उत्साह देखने को मिल रहा है सर कि महिलाओं में वैक्सीनेशन का प्रतिशत अभी फिलहाल कम देखा जा रहा था मगर एकदम से उठाव आ गया है, किस तरह से देखते हैं? महिलाएँ काफ़ी आ रही हैं और मुस्लिम महिलाएँ भी काफ़ी आ रही हैं, उनमें भी उत्साह है और हम लोग जो है वो उनको बाकायदा लाइन में लगा के 4-व्हीलर में 2-व्हीलर में बराबर उनको वैक्सीन लगवा रहे हैं। सर यहाँ पे रेस्ट की व्यवस्था भी की गई है? हाँ, रेस्ट की व्यवस्था की हमने, 2 पलंग उस तरफ लगा रखे हैं अगर कोई इमरजेंसी किसी को होती है तो उस लिए, और आगे एक हाल है, उस हाल में हमने जो है करीब 50 कुर्सियाँ लगा रखी है, वहाँ पर भी हमने 2-3 कूलर वगैरह लगा रखे हैं कि यहाँ से वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 1/2 घंटे वहाँ रेस्ट करें और उसके बाद फिर जाए। वीरेंद्र उपाध्याय, प्रभारी स्टेडियम। वैक्सीनेशन ड्राइविंग वैक्सीनेशन में आए हैं, क्या मैसेज आया आपको और आपको क्या अभी वैक्सीनेशन हो चुके हैं आप क्या? नहीं, मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूं लेकिन मेरे पास मैसेज आ गया है कि आपको फर्स्ट डोज वैक्सीन का लग चुका है। मेरा रजिस्ट्रेशन था 24 जून का, जो मैंने स्लॉट बुक किया था वो 3 से 6 का था। 5 बजे मैं यहाँ वैक्सीन लगवाने आया तो मुझे स्टेटमेंट दिया गया कि डोज ख़त्म हो चुके हैं, आप कल वैक्सीन लगवा लीजिएगा। फ्राइडे के बाद सैटरडे को कल कोई ड्राइव नहीं थी, कल कोई वैक्सीन लगी नहीं है। आज मैंने फिर दोबारा स्लॉट बुक किया है, उसके पहले मेरे को मैसेज भेज दिए कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। ये मैसेज कैसे आ गया कि मेरे को वैक्सीन लग चुकी है जब मैं यहाँ आ रहा हूँ और आप मेरे से ये बोल रहे हो कि वैक्सीन ख़त्म हो गई, आपको कल डोज लगेगा, और 6:20 पे आपने मुझे मैसेज कर दिया कि आपको वैक्सीन लग चुकी है? तो ये पॉसिबल कैसे है जब मुझे डोज ही नहीं लगा? तो आप कहाँ से आए हैं वैक्सीन लगाने? मैं तो भंवरकुआ से। तो मैसेज के थ्रू पता चला तो आज फिर आप वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, तो अब आपका आधार कार्ड में एंट्री हो चुकी होगी तो फिर किस तरह से लगेगा आपको? वही मैं अब जाके उनसे कंफर्म करूंगा, मैंने दोबारा नए नंबर से स्लॉट बुक किया है, मैं बात करूंगा उनसे कि मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और मेरे पास मैसेज आ चुका है जबकि मुझे डोज नहीं लगा है, वो क्या सॉल्यूशन देते हैं वो आगे हम देखेंगे। अपना नाम बताएं।